हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एवरीडे सिंपल मील की अगली रेसिपी टोमेटो की सब्जी बनाने जा रहे हैं। टोमेटो की सब्जी बनाने के लिए हमने ये चार मीडियम साइज़ के टोमेटो अच्छे से वॉश करके और साफ करके लिए हैं। ये एक हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने पीनट का पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने जैगरी गुड़ लिया है, ये 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है जिसमें मैंने मिक्स करके लिया है नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ऐसा मैंने हाफ हाफ लिया है। ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, थोड़ी सी धनिया पत्ती लगेगी, ये सेव लिया है मैंने जो हमें गार्निशिंग के लिए लगेगा। 1/2 टीस्पून मैंने राई ली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा हम हींग यूज़ करेंगे। तो आइए टोमेटो की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टोमेटो और प्याज को अच्छे से बारीक कट करके लिया है, अभी हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के गैस की फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अभी ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे। कढ़ाई में हमने राई डाल ली है। एक पिंच हम हींग डालेंगे। राई हमारी अच्छे से चटक गई है, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें ये हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसे 1/2 मिनट के लिए हम भून लेंगे अच्छे से प्याज के साथ। अभी इसमें हम ये टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो और प्याज और बाकी सभी मसाले को हमने अच्छे से मिक्स करके लिया है। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी ढक्कन रख के हम 3-4 मिनट के लिए सब्जी को पकने देंगे। आइए फ्रेंड्स, अभी हम चेक करते हैं। 3-4 मिनट हमने सब्जी को अच्छे से पका लिया है। अभी ये जैगरी गुड़ हम इसमें ऐड करेंगे। आप आपके स्वाद के अनुसार गुड़ डालिए, गुड़ या शक्कर भी चल सकती है, जैसे आपको पसंद है आप डालिए। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून पीनट पाउडर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती इसमें ऐड करती हूँ। वापस से हम ढक्कन रख के 3-4 मिनट के लिए सब्जी को पकने देंगे। आइए अभी हम चेक कर लेते हैं सब्जी बनी है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हमें ज़्यादा गलाना नहीं है। सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनी है, इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है। अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी टोमेटो की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे हरे धनिए की पत्ती और थोड़ा सा सेव डाल के गार्निश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टोमेटो की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।